नमस्ते, मैं हुटिया ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो रीडर, पीएलआर थेरापिस्ट एंड क्रिया कुंडलिनी मास्टर। वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और करंट फीलिंग की वीडियो। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। जब भी आपके सामने आएगा, ये आपका ही रीडिंग होगा, ठीक है? सो जैसे रीडिंग से पहले मैं ऑलवेज सर्विसेज के बारे में बोल देती हूँ। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, ट्विन फ्लेम कोचिंग, ट्विन फ्लेम हीलिंग चाहिए, अगर डिस्टेंस रेकी हीलिंग चाहिए, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, कोई भी कारण के लिए, बिजनेस, जॉब, कोई भी कारण के लिए, एजुकेशन, तो बिल्कुल मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर प्योर एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए, प्योर क्रिस्टल, एनर्जाइज क्रिस्टल, आपको ही प्रॉब्लम को हील करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम की जो स्टेग्नेंसी है उसे छुटकारा पाने के लिए, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद एनर्जाइज करके देती हूँ एज पर योर डेट बर्थ चार्ट, एज पर योर बर्थ डिटेल्स, एज पर योर प्रॉब्लम, इंडिविजुअली आपके नाम पे ही एनर्जाइज किया जाएगा एज पर योर प्रॉब्लम। सो अगर वो चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। अगर पीएलआर करवाना है तभी संपर्क कर सकते हैं। कहाँ संपर्क करेंगे? संपर्क करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है, 9087282880, 9087282880, वो नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। जब भी रीडिंग की टाइम होगा, आफ्टर बुकिंग, आफ्टर टाइम, जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, रीडिंग की टाइम होगा, अगर आप लोगों ने कॉल रीडिंग या वीडियो कॉल रीडिंग बुक कर रहे हो तो 100% मेरे साथ बातचीत होगा। अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बुक कर रहे हो, वो भी मेरे ही गले का आवाज आप तक पहुंचेंगे, ठीक है? सो जब रीडिंग के टाइम में होती हूँ ना, तब ये अननेसेसरी कॉल आता ही रहता। अननेसेसरी भी नहीं बोलूंगी, नेसेसरी हो सकता है, मगर जो कम व्हाट्सएप पे हो सकता है, कोई कंफ्यूजन हो वॉइस मैसेज में भेजिए, मैं वॉइस मैसेज का आंसर दे दूंगी। तो प्लीज व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है? अगर एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, ट्विन फ्लेम का कोचिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, जो भी हो, तो व्हाट्सएप में मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। क्यों इतने बार नंबर के बारे में बोल रही हूँ? क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में बहुत ही उल्टा पुल्टा नंबर कोई ना कोई ऐसा घुस जाते हैं, दे आर अ बिग ग्रुप, हर चैनल के पीछे ऐसा घुस जाते हैं, जो सब जानते हैं ऐसे चैनल के पीछे घुस जाते हैं एंड ये लोग ऐसा डिस्ट्रॉय करते हैं दूसरे की मानी लेके। सो प्लीज डोंट एक्चुअली सपोर्ट देम, वो लोग ये ऐसा करते हैं, करना है करने दीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट किए, क्योंकि बहुत काम करके इन लोगों की फायदा नहीं है, मगर इसमें चीटेड ही होंगे। मैम से बात करा देती हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं खुद कॉन्टेक्ट भी जो करेंगे, मैं खुद बात करूंगी, ठीक है? सो ये बात है, कॉन्टेक्ट करना है तो 9087282880 में व्हाट्सएप करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इनकी दिल और दिमाग में अभी तक, आज तक, इमीडिएटली। अच्छा, उससे पहले रीडिंग से पहले दो बातें, अच्छा, ये सबको बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, मैं पहले तो मुझे लगा था कि हो सकता है आप लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो इतना मीठी मीठी बात करती नहीं हूँ, सच बात बोलती हूँ। फिर मैंने देखा नहीं, इसको अडॉप्ट करने के लिए, इसको रिसीव करने के लिए मेरे जो व्यूअर्स है काफी अवेकन है, काफी अवेयर है, ठीक है? देखिए, ये आज का जो टॉपिक है, एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है मेरे एकदम बहुत ही एक बहुत अच्छा स्टूडेंट्स कम, वो एक्चुअली स्टूडेंट नहीं है, फिर भी वो तो जो मेरे साथ संपर्क में रह जाते हैं, गुरु एंड शिष्य का ही तो रिलेशनशिप आ जाते हैं। तो ऐसा ही एक कोई मेरी बहुत ही क्लोज एक पर्सन मुझे क्वेश्चन किया है कि मैम, आज के टॉपिक पे प्लीज बताइए कि मैं अगर, मुझे मालूम है कि वो मेरा ट्विन है,
या वो मेरा सोलमेट है, या मेरा जो भी है, मुझसे अच्छे से बात भी करते हैं, बट अगर मैं देखूं, ऑलवेज बात नहीं भी करे, ऑन एंड ऑफ रहे, कुछ भी रहे, अगर मैं देखूं कि वो दूसरे किसी कोई लड़की का, वो लड़की है इसीलिए वो पूछा, लड़का के लिए भी वो सेम है, आप लोग जस्ट एनर्जी को समझिए। अगर मैं देखूं कि वो कोई भी सोशल मीडिया में लड़की की फोटो में या कोई भी जगह में लाइक कर रहा है, या किसी के साथ फोटो दे रहा है, किसी के साथ मतलब लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, व्हाटएवर लाइक कर रहा है, तो मुझे इतना तकलीफ क्यों होता है? मुझे तो नहीं होना चाहिए, मुझे इतना तकलीफ क्यों होता है? सिर्फ लाइक में क्यों तकलीफ होता है इतना? तो उनकी ये टॉपिक लेके आती हूँ क्योंकि देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं डिवाइन बोल रहा था तुम आज ये टॉपिक लेके बात करो, तभी मुझे ऐसा रिक्वेस्ट आया है। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट, जो भी मुझे रिक्वेस्ट किया है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट वेरी मच थैंक यू फॉर यू। द थिंग इज क्यों ऐसा होता है, क्यों ये तो होता है? हम लोगों का दिल तो अभी भी बच्चा है, ये तो दिल अभी भी बच्चा है, इनसिक्योरिटी बचपन से हम लोगों को टीच किया जाता है, इनसिक्योरिटी प्रोवोक किया जाता है, इनसिक्योरिटी या सपोर्ट के लिए बच्चे का जब भी छोटे में, आज ही बात हो रहा था, बच्चे को छोटे में कोई जगह में लग गया, थोड़ा सा लग गया, टेबल को मार दो, टेबल को मार दो, और बच्चा और भी तीन गुना रोना स्टार्ट कर दिया, मेरा दर्द, मेरा दर्द, मेरा दर्द, मतलब उसको कोई ना कोई जगह से ये चाहिए, मतलब सपोर्ट चाहिए उसको, बस नहीं बेटा नहीं बेटा ये सब सुनना है, समझ में आया, उसको सपोर्ट चाहिए, उसको दया चाहिए, पहले से ही उनको दया की तरफ हम लोग झुका देते हैं, वो ही दिल तैयार हो जाता है दया, और कहीं ना कहीं से इनसिक्योरिटी, एंड वो ही सब रिलेशनशिप को बड़े होके खराब कर देते हैं। ठीक है, हम लोग स्ट्रांगली उसको बढ़ने ही नहीं देते, ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इनसिक्योर लाइफ, इनसिक्योर माइंड, यहाँ पे भी वही हो रहा है, इनसिक्योरिटी हो रहा है, इनसिक्योरिटी हो रहा है, किसी को एक लाइक देख के बहुत तकलीफ होना, या अगर आपके ऑपोजिट पर्सन मैरिड है, बीबी के साथ फोटो देख के तकलीफ हो जाना, बीबी के साथ फोटो दिया है मतलब बीबी के साथ अच्छा रिलेशनशिप है या नॉन, तकलीफ में हो जाना, तो ये जो है ये नॉर्मल, ठीक है, ये तो हम लोगों को बचपन से इनसिक्योर करके बड़ा करते हैं, मगर उसके बाद हम लोग चेंज भी तो कर सकते हैं अपने आप को। एक चीज को समझिए, एक चीज को समझिए, प्रेम ऐसा एक चीज है जिसको हम लोग खरीद नहीं सकते, डर के मारे लालच के मारे आ सकते हैं, ठीक है ना, डर के मारे आ सकते हैं, आप अभाव में, देखिए तीन कारण होता है, गीता में श्री कृष्ण भी बोले थे कि तीन कारण होता है एक दूसरे से जो रिलेशनशिप होना, प्रेम होना, तीन कारण, भाव अभाव प्रभाव, भाव अभाव प्रभाव, तीन कॉज से एक रिलेशनशिप बनते हैं, भाव जिनके ऊपर बहुत प्रेम एंड अट्रैक्शन एंड ऑल, ये सब के लिए भाव से इंसान आते हैं, दूसरा आता है अभाव, अभाव क्या होता है, आप अभाव के मारे उनके पास जाते हो, भाव के मारे नहीं, तो फिर ये इनसिक्योरिटी होता नहीं, आपको किसी की सपोर्ट चाहिए, आपको किसी को हाथ पकड़ के जीना है, आपके अंदर वो एनर्जी की लैक है, आपको वही चाहिए, आप सोच रहे हो आप भाव दे रहे हो, मगर भाव के साथ साथ अभाव को पूर्ण कर रहे हो आप, ठीक है। और एक होता है प्रभाव, जहां पे कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंशियल एक एनर्जी आपके लिए इन्फ्लुएंस कर देते हैं, तो प्रभाव के लिए भी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है जेला से क्यों होता है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट किया, जेला से क्यों फील होता है, ये क्वेश्चन था, जेला से नहीं होता, इनसिक्योरिटी होता है, वो मुझे छोड़ के दूसरे कोई जगह इन्वॉल्व हो रहा है। मगर एक चीज अच्छा से समझना चीज को, ये जो हो रहा है हो सकता है बहुत ही कैजुअली लाइक दे रहा है, हो सकता है इंटेंशनली लाइक दे रहा है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम किसका हो रहा है, आपको हो रहा है। अगर एक जलती हुए कोई कोयला है, आप उसको हाथ से बुझाने जाओ तो आपका ही हाथ जलेगा, कोयला का कुछ नहीं होगा, या दूर में बैठे हुए जो आग लगा के निकल चुके हैं उसे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझना है कि मैं जो एनर्जी खुद के अंदर क्रिएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसमें तकलीफ किसको हो रहा है, मुझे हो रहा है, उनको नहीं हो रहा है। प्रेम जो है ना, प्रेम का जो एक्चुअल बेस है वो मुक्त है,
इंसान को सबसे ज्यादा पसंद है खुलापन, फ्रीडम, मुक्ति, इससे ज्यादा, क्योंकि सोल का नेचर ही मुक्त होता है। आप अगर जाए सोल को आप बांधना नहीं होता, सोल का जो बेसिक नेचर होता है वो मुक्त नेचर के होता है, वो फ्रीडम पसंद करता है। अगर यहाँ पे चेन्नई में आज है कार्तिक या दीपम, ये कार्तिक मास महीना का इस दिन को ये लोग मानते हैं, पूर्णिमा के अगले दिन पहले मानते हैं कि इस दिन दीपावली मनाया जाता है, तो इसीलिए बहुत सारा पटाखा का आवाज आप लोगों को सुनाई देगा, वो एक दीपावली है। तो ऐसा बहुत अच्छा एनर्जी इसमें आज का रीडिंग सुनिए। सो द क्वेश्चन इज, ये जगह से आप लोग मुक्त छोड़िए प्रेम को, क्योंकि इंसान ऑलवेज फ्रीडम पसंद करता है। आप अगर जितना ही रेती को हाथ में बांधने जाओगे ना, खोलोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। प्रेम को खोल के छोड़िए, जेलासी में मत रहिए, तकलीफ में मत रहिए। एक्चुअली वो ही आपके रिलेशनशिप को बिगड़ने में सबसे बड़ा काम कर देगा, उसको मुक्त रखिए। जो सही में आप प्यार अगर सच्चा हो, वो बिल्कुल आपके पास ही आएगा, कोई जगह नहीं जाएगा। अगर रॉन्ग है तब तो अच्छा है, वो निकल जाए तो अच्छा, नहीं तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा था, है ना। तो इस जगह से चीज को समझिए, जेलासी नहीं आएगा, है ना, एकदम जेलासी नहीं आएगा। जेलासी कर रहे हो, इनसिक्योरिटी हो रहा है बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाव अभाव प्रभाव, वो अभाव की वजह से आप उनकी पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, मत कीजिए, ठीक है। उनको भी भाव में आने दीजिए एंड दोनों में सच में रियूनियन की जो मजा है वो लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं। चलिए पहले देखते हैं एनर्जी ओरेकल से। एनर्जी ओरेकल को क्लैरिफाई करेंगे टैरो डेक से। ये भी मेरे एक स्टूडेंट ने बोला, मैम आप डेली एक डेक से क्यों करते हो, ये टैरो डेक को ही चेंज करो। तो इसीलिए थैंक यू पारमिता, ये पारमिता ने बोला कि करो, ठीक है, ओके चलो, ओके चलिए देखते हैं। बहुत लोग ही करते हैं, मैं नहीं करती थी, मुझे लगता था रीडिंग तो रीडिंग है, एनर्जी पिकअप है, मगर उसके बाद सब बोल रहे सही सही बात, क्योंकि मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छा से मुझे गाइड करते हैं ऑलवेज, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहा है। जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहा है। चलो देखते हैं क्या है उनकी अभी का थॉट्स आपके लिए। ठीक है, फाइव कार्ड्स लिया। फर्स्ट कार्ड क्या आया है, द टेम्पल पथ। फर्स्ट कार्ड आया है नंबर 12, द टेम्पल पथ, ठीक है। इसमें आपका प्रॉब्लम होगा, इधर रखिए, ठीक है, कार्ड देखने में इजी होगा। मैं ऑलवेज सेवन चक्रास को रखती हूँ फॉर गुड एनर्जी, इसीलिए आज थोड़ा इधर रखा, आप लोगों के कार्ड देखने में इजी होगा, इसीलिए फर्स्ट हुआ द टेम्पल पथ नंबर 13 एंड 12, 2+1=3। नेक्स्ट envy, उसके बाद man holding a coin, उसके बाद strategy and उसके बाद victory। so the temple path, envy, the holding, man holding a coin, strategy and victory। नंबर 12 फॉर टेम्पल पथ, नंबर 20 एनवी 3-2, अच्छा मैन होल्डिंग अ कॉइन 43, 4+3=7, 43, स्ट्रेटेजी अगेन 3, 21, 2+1=3 एंड विक्ट्री 2+8=10, नंबर 1, द नंबर ऑफ सन। चलिए देखते हैं कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करता है, कार्ड से क्लैरिफाई करता है द टेम्पल पथ क्यों आया है, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी में टेम्पल पथ क्यों आया है। फर्स्ट कार्ड आया है 9 of Pentacles, ओके, उनकी अभी सेल्फ लव बढ़ रहा है, हीलिंग प्रॉपर्टी ग्रो कर रहा है, सेल्फ लव बढ़ रहा है,
खुद को समझने की कोशिश उनके लिए काफी हो रहा है, वो एक खुश एनर्जी में जा रहा है, सेल्फ लव की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एस ऑफ कप्स, आपके लिए काफी इमोशन उनके अंदर फ्लो हो रहा है, इमोशनल फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, इमोशनल फ्लो हो रहा है आपके लिए। ठीक है, और एक कार्ड देखते हुए सब द टेंपल पथ की क्लैरिफिकेशन के लिए द हार्मिट। हाँ, इनके लिए सेल्फ लव की तरफ जा रहा है। देखिए, हार्मिट में सेल्फ लव हम नहीं देखते, हार्मिट दूसरे को रास्ता दिखा रहा है, बर्फ में खड़े होके भी दिखा रहा है थोड़ा सा दुखी एनर्जी, फिर भी सेक्रीफाइसिंग एनर्जी, दुखी एनर्जी, फिर भी खड़े है डंडा लेके और लैंप लेके दूसरे के रास्ता दिखा रहा है। तो उनकी ये एनर्जी तो है, तभी तो आपको एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जी से धीरे धीरे इतना इमोशनल फ्लो हो रहा है, सेल्फ लव की तरफ जा रहा है। इसीलिए द टेम्पल पर इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पे ये पर्सन इमीडिएटली जा रहा है। नंबर 20, एनवी। एनवी कार्ड क्यों आया है, चलिए देखते हैं एनवी क्यों आया है। दो कार्ड आया है, एक है द हेरोफेंट, ओके, सेकेंड आया है द लवर्स। वाओ, रियलाइजेशन की टाइम है, द स्ट्रेंथ। तीन कार्ड बोलते हैं कि द हेरोफेंट, हेरोफेंट इज अ वेरी रिलीजियस कार्ड, सच बोलने वाला कार्ड। हेरोफेंट कार्ड के अंदर हम लोग देखते हैं थ्री प्लस, यहाँ पे थ्री प्लस जो होता है ना, ये थ्री प्लस एक्चुअली ट्रिनिटी को सिंबलाइज करते हैं, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रैक्शन। इनके अंदर ये कैपेसिटी बढ़ रहा है काफी चीज को क्लैरिफिकेशन करने का। लवर्स, इनके अंदर ये फीलिंग आ रहा है समथिंग स्पेशल, रिलेशनशिप, सोल लेवल कनेक्शन, ये सब इनके अंदर रियलाइजेशन हो रहा है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड, खुद की स्ट्रेंथ पे आ रहा है, कोई कोई जगह में ये जिद्दी कर रहा है, कोई कोई जगह में अभी भी उनको और भी बुद्धि करके चलने का दरकार है, मगर इनके अंदर काफी स्ट्रेंथ ग्रो कर रहा है, इनके अंदर हिम्मत ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो अभी कहीं ना कहीं से मैजिकली आप दोनों का रिलेशनशिप का जो केमिस्ट्री है उसको समझ रहा है। ठीक है, उसके बाद ही देखते देख सब रिलेटेड कार्ड आया है। फर्स्ट टेम्पल पथ को हम लोग क्लैरिफाई कर दिया, उसके बाद ही एनवी को क्लैरिफाई कर, मगर देखिए टेम्पल पथ के साथ रिलेटेड है क्या हो रहा है, वहां पे हार्मिट सिचुएशन में था, फिर इमोशन, फिर सेल्फ लव में आ रहा है। सेल्फ लव में जब आए तभी इंसान के अंदर वो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होना स्टार्ट करेंगे, फिर इनको समझ में आ रहा है जो सच है वो सच, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग, थर्ड पार्टी करके मेरा काम नहीं बनेगा। प्यार का फीलिंग समझ में आ रहा है, इट इज अ डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप, कुछ तो है। एंड द स्ट्रेंथ, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, इनकी बहुत सारा क्लैरिफिकेशन के थ्रू जा रहा है। और उसके बाद क्या होगा, मैन होल्डिंग अ कॉइन, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफर करने के लिए वो बैठे है। देखते हैं मैन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड को कैसे टैरो कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखते हैं मैन होल्डिंग अ कॉइन, इस कार्ड को कैसे टैरो कार्ड क्लैरिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ कप्स, ऑप्शंस है इनकी यार, फिर भी वो आपके लिए क्यों वेट कर रहा है। ठीक है, द हैंगमैन, नजरिया बदलना है, नजरिया को इनको बदलना है। हैंगमैन क्लास का कार्ड को अगर हम लोग देखे, कभी आपको शायद नेक्स्ट इस प्रीवियस एक रीडिंग में बोल रही थी, कार्ड को ऐसा देखो उसमें कंफ्यूजन एंड ऑल, कार्ड को घुमा दो, नजरिया को चेंज कर दो, तो देखना वो ही अबंडेंस की कार्ड बन जाते हैं। ठीक है ना, तो वो ही जगह है, यहाँ से ऑप्शंस है, मगर इनका नजरिया चेंज होना जरूरी है, वो वेट कर रहे हैं आपके लिए। और क्लैरिफिकेशन चाहिए, जस्टिस, राइट, उनको प्रॉपर जस्टिस देना है आपको, एक्चुअली वो ऑनेस्टली आपको जस्टिस देना चाहते हैं, तभी वेट कर रहा है आपको ऑफर करने के लिए। उसके बाद स्ट्रेटेजी, कैसे ऑफर करेंगे, उसके बाद ही हम देखते हैं स्ट्रेटेजी कैसे बना रहा है, कैसे ऑफर करेंगे वो, चलिए देखते हैं कैसे ऑफर करेंगे वो। टू ऑफ पेंटिकल्स, इस मोमेंट में उनकी कंफ्यूजन हो रहा है, वो कंफ्यूजन स्टेट पे है, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कंफ्यूज स्टेट हो रहा है कि कैसे क्या करे एंड ऑल, उसका स्ट्रेटेजी वो बना रहा है। ठीक है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जो भी स्टकनेस है वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन स्टकनेस वहां से निकालने की कोशिश हम लोग देख रहे हैं कि उनको अभी करने का कोशिश जारी है। ठीक है,
नेक्स्ट एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, इसके लिए मेहनत करने के लिए वो रेडी हो रहा है एंड स्ट्रेटेजी बना रहा है, समझ में आया। फ्रूटफुलनेस एक्शन की कार्ड है, एक्शन की तरफ ये जो रो है एक्शन वाला रो हमें दिख रहा है। विक्ट्री, अल्टीमेट क्या होगा, विक्ट्री, अल्टीमेट क्या होगा, विक्ट्री। अभी विक्ट्री कैसे होगा देखते हैं। विक्ट्री में फर्स्ट कार्ड आया है वर्ल्ड, बिग चेंज कमिंग इन योर लाइफ, जहां पे डिवाइन भी सपोर्ट करेंगे, हर एलिमेंट भी सपोर्ट करेंगे, हर चीज आपको सपोर्ट करेंगे। विक्ट्री, और भी कार्ड देके क्लैरिफाई करते हैं कैसे विक्ट्री एंड ऑल। फोर ऑफ पेंटिकल्स, वो ऐसा नहीं है आप कुछ छोड़ नहीं सकते, संस्कार को छोड़ नहीं सकते, सब कुछ एक साथ रख के कैसे आपको वो अपना सकते हैं, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी बना के विक्ट्री की तरफ जा रहा है। और एक कार्ड से देखते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन, वो एक्शन लेना चाह रहा है, दौड़ के भाग के एक्शन लेना, तभी तो विक्ट्री आएगा, खाली सोचने से थोड़ी आएगा। तो डरपोक राजकुमार का एक्शन वाला एनर्जी दिख रहा है इस मोमेंट पे। सो ओवरऑल कार्ड बहुत अच्छे से देखिए, एनर्जी कैसे क्लैरिफिकेशन आया, एक के बाद एक कार्ड आया कैसे क्लैरिफाइड एनर्जी के साथ। तो पॉजिटिव एनर्जी मैं दिख रही हूँ, जो भी स्टकनेस है काफी निकाल के एक्शन वाला एनर्जी दिख रहा है, मेहनत वाला एनर्जी, स्ट्रेटेजी बना रहा है, विक्ट्री तक पहुंच रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ इमीडिएट एनर्जी आपकी पर्सन का यही है। अभी देखते हैं बाबा की संदेश क्या है आपके लिए, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको। बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, बाबा की संदेश क्या है आपके लिए, बाबा इमीडिएटली क्या बोलना चाहते हैं आपको, क्या है गाइडेंस आपके लिए। ये जो गाइडेंस होता है ये आपके लिए होता है, क्या है, शिव शक्ति। मैंने बोला ना यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बैलेंस वाला कार्ड है, एक माने स्ट्रॉन्ग सोल लेवल कनेक्शन है, मगर ये शिव शक्ति का बैलेंस हर एक को होना चाहिए। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस होगा तभी तो एक इंसान बैलेंस बन सकते हैं। तो शिव शक्ति का कार्ड बोला है, बाबा बोल रहे हैं आपके भीतर मर्दना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलन कीजिए, भी बैलेंस योरसेल्फ, प्रॉपर हीलिंग जरूरी है, प्रॉपरली इनर वर्क जरूरी है, बाबा की एज पर, मतलब बाबा जो आपको सजेशन दे रहा है। नेक्स्ट धुनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियों में धुनी में जला दे, जो भी आपका ब्लॉकेज एनर्जी है, जो भी आपको लगता है कि मेरे रास्ता रोक सकता है, हर चीज को बाबा की धुनी में जला के आगे जाइए, जो ब्यूटीफुल लाइफ वेटिंग फॉर यू। इमीडिएट एनर्जी में भी तो अच्छा रहना है, पास्ट को पकड़ के कोई अच्छा नहीं रह सकता, तो बिल्कुल उसको जला के आगे निकाल के जाइए। देखिए ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है, ब्यूटीफुल प्रेजेंट, फ्यूचर कौन देखा है, ब्यूटीफुल प्रेजेंट को पहले जानिए, एकदम उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए, बहुत खुश रहिए, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए प्लीज, क्योंकि कमेंट के जरिए ही आप लोगों के साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बंधा रहता है। कल 7th पूर्णमासी आ रहा है, फुल मून, सो जब भी मैं हीलिंग में बैठूंगी, डेली करती हूँ और ये स्पेशल एनर्जी में तो जरूर, जब भी मैं हीलिंग में बैठती हूँ रेकी मदर से, डिवाइन से, सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है वो फुलफिल हो जाए, और होने के बाद आप लोग सच में इतना सारा प्यार भेजते हो मेरे लिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आती रहेंगे। थैंक यू।